भारतीय नौसेना ने यमन के सोकोट्रा द्वीप पर चक्रवात के कारण फंसे करीब 38 भारतीयों को निकालने के लिए अपना पोत भेजा है। भारतीयों को निकालने के लिए नौसेना ने ऑपरेशन निस्तार के तहत INS सुनेना को पहले ही तैनात किया था। म्यांमार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थोंग टून ने कहा है कि उनका देश सभी रोहिंग्या मुसलमानों को वापस लेने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार वापस लौटना चाहे। कश्मीर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे मोहम्मद रफी के एनकाउंटर के बाद अब एक लापता डॉक्टर के आतंकी संगठन में शामिल होने की आशंकाएं लगाई जा रही हैं। पेशे से डॉक्टर और IPS अधिकारी का भाई शम्स उल हक 26 मई से लापता है। मेघालय की राजधानी शिलांग में दो दिनों की हिंसा के बाद तनाव का माहौल है। दो दिन से जारी कर्फ्यू के बीच प्रशासन ने आज थोड़ी ढील दी है। गुरुवार रात दो गुटों की झड़प के बाद मामला स्थानीय बनाम बाहरी की लड़ाई में तब्दील हो गया है। बिहार के आदर्श कुमार को गूगल ने 1,20,00,000 रुपए सालाना वेतन पर नौकरी दी है। खास बात यह है कि पटना के आदर्श के पास IIT रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, लेकिन वे अपना करियर बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में शुरू करने जा रहे हैं।